पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के शहरों में भी मौसम में तेजी से बदलाव जारी है। अन्य दिनों की तुलना में शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में लोगों ने अधिक ठंड महसूस की है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में ठंड में इजाफा हो सकता है, क्योंकि शनिवार और रविवार को बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में शनिवार और रविवार को फिर से बारिश हो सकती है। इससे पहले पिछले सप्ताह मौसम में बदलाव के साथ शनिवार को शुरू हुई बारिश सोमवार सुबह तक रुक रुक कर हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में मौसम में बदलाव होगा। इसके बाद शनिवार के साथ रविवार को भी दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान शनिवार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन रविवार को तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शनिवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को बारिश होने की संभावना अधिक है और कई जगह तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। इसका कारण यह है कि हवा की दिशा में बदलाव होने से पराली के धुएं का असर कम हुआ है। फिर भी दिल्ली और एनसीआर के चार शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं गाजियाबाद में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की भूमिका 4% रही, जबकि एक दिन पहले पराली के धुएं की भूमिका 15% थी। इस लिहाज से पराली के धुएं का असर 11% कम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।